श्रीधर स्वामी आज प्रातःकाल माँ भगवती की वंदना कर रहे थे, तभी 500 से 600 क्षत्रिय वंश के कुछ नौजवान श्रीधर स्वामी के नजदीक आए और प्रार्थना कर कहने लगे, रक्षा करो हे गुरुदेव, रक्षा करो। श्रीधर स्वामी अपने आसन से उठकर पूछने लगे, तुम्हारे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है और अपने हाथों में यह तलवार लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह सब क्षत्रिय रोकर कहने लगे, हमारे ऊपर मुसलमान शासक कामदार खां आक्रमण कर रहा है। वह ऐसा क्रूर शासक है, वह हिंदू धर्म का नाश करके मुस्लिम धर्म की पताका ऊपर उठाना चाहता है। वह हमारे क्षेत्र पर भी आक्रमण करना चाह रहा है। उसने कई राजाओं को मार दिया है, हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ हैं। अब हम माँ भगवती की शरण में आए हैं, अब माँ भगवती हमारी रक्षा करे। सब क्षत्रियों की बात सुनकर श्रीधर स्वामी का मन भर आया। वह भगवती के चरणों में प्रार्थना कर कहने लगे, हे माँ जगदम्बा, हम सबकी रक्षा करो, हमारे धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म की लाज बचाओ। और ऐसा कहकर श्रीधर स्वामी ने क्षत्रियों का जो सरदार था उसकी तलवार अपने हाथ में लेकर माँ भगवती के चरणों में रख दी। और जैसे ही माँ भगवती के चरणों में वह तलवार रखी गई, श्रीधर स्वामी सच्चे मन से माँ भगवती को प्रार्थना करने लगे, हे माँ दुर्गा, हमारी रक्षा करो। और अचानक एक अद्भुत घटना घटित हुई। जो तलवार जमीन पर रखी गई थी वह भगवती की कृपा से स्वतः ही जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गई। सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, यह कैसा विस्मयकारी दृश्य है, जमीन पर तलवार नहीं है और जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गई है। सब विचार करने लगे, यह भगवती का कैसा आदेश है। तब श्रीधर स्वामी ने सबको समझाया, माँ भगवती ने आदेश दिया है, आप सब तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, मैं स्वयं आकर तुम्हारा साथ दूंगी। अब तो जिन क्षत्रियों के प्राण संकट में थे उनके प्राणों में जान आ गई, वह तैयार हो गए कामदार खां से युद्ध करने के लिए। अब हाथों में तलवार ले वह सारे क्षत्रिय कामदार खां से युद्ध करने के लिए हरुहर नदी के समीप आ गए। इतने में वह दुष्ट कामदार खां भी हिंदू धर्म के क्षत्रियों से लड़ने के लिए उस नदी के तट पर आ गया। बड़ा ही विकराल दृश्य होने लगा, एक तरफ हजारों की सेना, दूसरी तरफ यह गिने चुने 500-600 लोग। बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, पर माँ भगवती की कृपा इन क्षत्रियों के साथ थी। अब लड़ाई चलने लगी, युद्ध के उस महान यज्ञ में लोगों की बलि चढ़ने लगी। भक्त पुनः मन में प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, आपने कहा था आप स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा करेंगी, यह कामदार खां तो बड़ा दुष्ट है, देखिए किस प्रकार इसके सैनिक हिंदू धर्म के शासकों का वध करते जा रहे हैं। इस प्रकार रोते हुए जब भक्तों ने पुनः प्रार्थना की, वहां पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कहते हैं वही तलवार जो माता भगवती के मूर्ति के हाथ में स्थित थी, पता नहीं कहां से उड़ते हुए कामदार खां के नजदीक आई। वह थोड़ी देर आकाश में स्थित हुई और अचानक से उसने कामदार खां का सर धड़ से अलग कर दिया। कामदार खां के सैनिक हैरान हो गए, हमारा राजा तो हाथी पर बैठा था और इतना दूर से कोई तो वध भी नहीं कर सकता, फिर यह तलवार आई कहां से और किसने इस तलवार के माध्यम से इसका सर धड़ से अलग किया है। अब भक्त भी हैरान हो गए कि यह कैसा आश्चर्य हुआ, तलवार स्वतः ही प्रकट हुई, उस तलवार ने कामदार खां का वध कर दिया और थोड़ी देर में वह तलवार पुनः अदृश्य हो गई। अपने राजा का वध हुआ देख कामदार खां के सारे सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। भक्तों की जय जयकार हुई। वह भक्त पुनः लौटकर श्रीधर स्वामी के चरणों में आए और कहने लगे, आज माँ भगवती ने साक्षात प्रकट हो हम सबकी रक्षा की है। अभी क्षत्रिय इस प्रकार बता ही रहे थे कि माँ भगवती की मूर्ति में जो तलवार थी उससे रक्त बहने लगा। श्रीधर स्वामी समझ गए कि मेरी माँ जगदम्बा आज स्वयं मूर्ति से निकलकर अपने भक्तों की रक्षा करने गई थी। सब लोगों के मन में उस मूर्ति के प्रति उत्साह बढ़ गया।
क्योंकि इस मूर्ति की भी एक विशेष कहानी थी। बचपन से ही श्रीधर स्वामी माँ भगवती के अनन्य उपासक थे। उनके मन में एक ही इच्छा रहती थी कि मुझे माँ भगवती का विशाल मंदिर बनवाना है। एक दिन रात्रि के समय वह सोए पड़े थे तो माँ भगवती ने आदेश दिया, श्रीधर कल प्रातःकाल गंगा नदी के तट पर आना, मैं ज्योति स्वरूप हो तुम्हारे पास आऊंगी, तुम मुझे गंगा घाट के पास मृत पिंडिका में स्थापित कर देना। श्रीधर स्वामी प्रातःकाल उठे और जो आकाशवाणी उन्हें सुनाई दी थी वह सत्य हुई। वह ज्योत चलकर आई। श्रीधर स्वामी ने उस ज्योत को अपने हाथों में उठाया, गंगा घाट के नजदीक मृत पिंडिका में स्थापित कर दिया। कभी कभी लोगों के मन में संशय होता था, हो सकता है श्रीधर स्वामी ने झूठ बोला हो, पर जब आज सब ने तलवार से रक्त बहा देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि माँ भगवती जगत जननी सर्व कल्याणमयी स्वयं ही हमारे क्षेत्र में चलकर आई है। यह मंदिर अभी तक बिहार के मुंगेर में स्थापित है। अभी तक अनेक भक्त इसका दर्शन कर अपने जन्म को कृतार्थ करते हैं। बताते हैं जिस स्थान पर यह मंदिर स्थापित किया गया है, आज से 600 वर्ष पूर्व तो वहां पे घना जंगल था, अब तो बिहार का यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र हो गया है, पर 600 वर्ष पूर्व यहाँ जंगल ही जंगल था। तो आए दिन यहाँ पर बहुत सांप निकलते थे, वह सांप निकलकर कई लोगों को डस देते थे। एक बार उस गांव के लोग श्रीधर स्वामी के पास आकर कहने लगे, भगवान रक्षा कीजिए, जंगल से निकलने वाले यह सांप सबको डस देते हैं। श्रीधर स्वामी पुनः माँ भगवती के पास पहुंचे और कहने लगे, हमारी रक्षा कीजिए, आए दिन कई जहरीले सांप यहाँ इस जंगल में प्रकट हो जाते हैं और इनके कारण बहुत लोगों को मृत्यु प्राप्त होती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं वहां पर श्रीधर स्वामी को वरदान मिला। वह वरदान इतना दिव्य है, उसका असर अभी तक बिहार में दिखाई देता है। माँ जगदम्बा का यह वरदान इतना दिव्य था, उन्होंने कहा, तुम्हारे क्षेत्र में जिस व्यक्ति को कोई सांप काट जाए, अगर कोई दिग्वे वंशीय ब्राह्मण मेरा नाम बोलकर अगर उसे जल पिला देगा तो सांप का जहर निकल जाएगा। और यह वरदान अभी तक सच साबित होता है। उस क्षेत्र में किसी को भी अगर सांप डंक मार जाता है तो दिग्वे वंशीय ब्राह्मण के जो वंशज हैं, वह अगर माँ भगवती का नाम लेकर उस डंक लगे व्यक्ति को माँ भगवती का जल पिला देते हैं तो कहते हैं तुरंत ही उसे आराम मिल जाता है। जहर कितना भी भयंकर हो वह समाप्त हो जाता है। और श्रीधर स्वामी के समय से अभी तक उस क्षेत्र का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी को सांप के काटने से मौत प्राप्त हुई हो। कितना आश्चर्य है ना, माँ भगवती का दिया वरदान अभी तक सच साबित हो रहा है और बिहार का यह मंदिर इस समय पूजनीय स्थल बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग वहां दर्शन करने आते हैं। कहते हैं अंत समय में श्रीधर स्वामी अपनी माँ भगवती के नजदीक जाकर रोकर कहने लगे, माँ भगवती अब तो मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लो। और इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। श्रीधर स्वामी की वह दिव्य ज्योत आत्मा माँ भगवती के चरणों में समा गई। उस दृश्य को देखने वालों का मन आज भक्ति से परिपूर्ण हो गया। कहने लगे, अगर भक्ति सच्ची है तो परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस प्रकार माँ भगवती स्वयं युद्ध में प्रकट हो गई, किस प्रकार भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं आकर तलवार का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, तो अपने भक्तों को परमात्मा कभी छोड़ते नहीं है। बस विश्वास रखना है, परमात्मा हमारे साथ हैं, साथ हैं। जब यह विश्वास पक्का हो जाएगा तो हमारे जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो सदा भक्तों के सहायक हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।